Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So guys, एक तरफ हो गोरी स्किन और एक तरफ हो काली स्किन, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? गोरी स्किन की तरफ. एंड इंडिया में फेयर स्किन का इतना बड़ा मार्केट है, हर साल इतनी सारी फेयरनेस क्रीम इंट्रोड्यूस होती है. एंड मानो या ना मानो, हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन यार थोड़ी सी गोरी हो जाए ताकि हम भी खूबसूरत दिखे. एंड हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी स्किन हेल्दी हो या ना हो, स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, एक्ने पिंपल के मार्क्स है, वो सब रहे, बट गोरी होनी चाहिए स्किन. तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ ऐसे कुछ फेस वॉशेस जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए अगर आप एक फेयर स्किन चाहते हो. इसके साथ साथ ये आपको एक या दो टोन फेयर तो बनाएंगे ही, बट आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, जितनी भी डिस्कलरेशन है, सन टैन है, जितना भी कालापन है ना, वो सारा का सारा रिमूव करता है जड़ से, जिससे कि आपको नेचुरली तरीके से ब्राइटर और इवन टोन वाली स्किन मिलती है. तो वो कौन से फेस वॉशेस हैं और सबके सब केमिकल फ्री है, 300 रुपए के अंदर है, सो इट्स गोना बी एन अल्टीमेट वीडियो. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल, press the bell notification, and yeah, without wasting much time, let's get started. शुरुआत करते हैं हमारे पहले face wash से, जो कि है minimalist का alpha lipoic plus glycolic 7% cleanser. इसके अंदर vitamin B5 है, जो कि आपकी skin को hydrate करता है. Glycolic acid है, जो कि आपकी skin को exfoliate करता है. Lipoic acid है, जो कि आपकी skin को bright बनाता है. इसके साथ साथ इसका price है 375 rupees. I know 300 रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा है, but क्योंकि ये brand बहुत ज़्यादा अच्छा है, chemical free है, so definitely you should give it a try. और ये all स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. तो ये है मेरा पहला फेस वॉश. Amazon में अल्टीमेट ब्रांड सेल चल रही है फ्रॉम 5 जुलाई टू 9 जुलाई. इसमें मिनिमम 50% प्लस एक्स्ट्रा अप टू 5% ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% कैशबैक मिलेगा फॉर प्राइम मेंबर्स. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड डर्माटच डेली ग्लो ब्राइट एंड इवन स्किन टोन फेस वॉश. अब क्योंकि इसके नाम में ही है ब्राइट एंड इवन स्किन टोन, ये आपकी स्किन को इवन बनाता है. अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रखा है उसको भी रिमूव करता है. इसके अंदर नाइसिनामाइड है, विटामिन ई है, कोजिक एसिड है. इसका प्राइस है 245 rupees और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. तो ये है मेरा सेकेंड फेस वॉश. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड O3 प्लस स्किन सॉल्यूशंस. ये डी टैन रेडियंस फेस वॉश है. अब जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपकी स्किन पे टैनिंग अगर बहुत ज्यादा हो रखी है ना, तो उसको वो हटाता है. और इसके पैकेजिंग में लिखा है ये ग्लो को बूस्ट करता है, डल स्किन को रिमूव करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है. तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है. इसका प्राइस है 300 rupees. इसके अंदर ओट्स भी है, जो कि आपकी स्किन में अगर बहुत ज्यादा यू नो हलचल हो रही है, सेंसेशन हो रही है, उसको भी काम डाउन करता है. ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ये है मेरा थर्ड फेस वॉश. नेक्स्ट फेस वॉश इज फ्रॉम द ब्रांड लोटस हर्बल्स का वाइट ग्लो 3-in-1 डीप क्लेंजिंग स्किन वाइटनिंग फेशियल फोम. अब ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, स्किन को वाइटन करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को भी कम करता है. अब बहुत सारे लोगों के शरीर में ना मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, चाहे जितना भी सन ब्लॉक लगा लो, बट फिर भी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा हाई होता है कि आपकी स्किन डार्क लगती ही लगती है. ये उस मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है. ये बहुत ही अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की. इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 204 रुपए और ये सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. आप ये ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट वन फ्रॉम द ब्रांड मुश्ताज का ये ओशियन फेस वॉश. ये SLS एंड पैराबिन फ्री है. इसके अंदर मिंट एक्सट्रैक्ट है, जो कि आप जैसे ही फेस वॉश करते हो ना, आपको ठंडा ठंडा फेस में फील होता है. कमर्स के लिए तो ये बेस्ट काम करता ही करता है. ये एक्ने को फाइट करता है, फेस पे पिगमेंटेशन होता है उसको भी रिमूव करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, डर्ट को रिमूव करता है, आपको एकदम फ्रेश फील करा देता है. ये फेस वॉश आपको पड़ता है 299 rupees का और ये सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट वन फ्रॉम द ब्रांड डर्मा को ये है 1% कोजिक एसिड डेली फेस वॉश फॉर डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन रिमूवल. अब फेस पे क्लियर स्किन कैसे आती है? जब हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे, पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, तो हमारी स्किन एकदम से एक या दो टोन फेयरर लगेगी ही, ब्राइटन अप लगेगी ही. तो वहां पे ये काम करता है डर्माको का कोजिक एसिड फेस वॉश. आप देख सकते हो मैंने कितना ज्यादा खत्म कर दिया. आई हैव बीन यूजिंग दिस फेस वॉश फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. इसके अंदर 1% कोजिक एसिड है, 1% नाइसिनामाइड है, अल्फा आरबुटिन है, जो कि आपकी स्किन को इवन करने में हेल्प करता है. डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई. 260 रुपए का आपको ये पड़ जाएगा फेस वॉश, ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. लास्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड मामा आर्थ और ये मामा आर्थ का विटामिन सी फेस वॉश मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ. इसके अंदर विटामिन सी है, साथ साथ टर्मेरिक भी है. विटामिन सी तो हमें पता है कि हमारी स्किन को यू नो ब्राइटन अप करता है. टर्मेरिक हम सबको पता है कि यू नो जब शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है हमारे फेस पे, माना जाता है कि आपकी स्किन को यू नो गोरा बना देता है, अच्छा सा एक ग्लो दे देता है. फेस को ग्लो देने के लिए और फेयर करने के लिए ये फेस वॉश आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, डल स्किन को खत्म करता है, ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. प्राइस है इसका 259 rupees, विच इज अगेन अंडर ₹300. तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो. तो गाइस, ये मैंने दिखाया आपको 7 फेस वॉशेस जो कि ना आपको फेयरर बनाते हैं, ब्राइटन करते हैं आपकी स्किन को, इसके साथ साथ आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल, मार्क्स, उसके स्किन को पील करना, हाइड्रेट करना और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें ये फेस वॉशेस करते हैं. तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से उसको ट्राई कर सकते हो.
कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्किन टाइप को सूटेबल होगा वो भी मैंने आपको बताया। मोस्टली आई थिंक सारे के सारे ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।